नमस्कार। प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने प्रतिदर्श समष्टि की अवधारणा को देखा था। हमने यह देखा था कि किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के समस्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं एवं इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अर्थात इस प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु अथवा सैंपल पॉइंट कहलाता है। अब हमने प्रतिदर्श समष्टि के कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे दो सिक्के साथ उछालने पर यह दो सिक्के एक साथ उछालने पर हमारे पास यह प्रतिदर्श समष्टि आएगा, जिसमें हमारे पास दो चित्त आ सकते हैं, दो पट आ सकते हैं, पहला चित्त तथा दूसरा पट एवं पहला पट एवं दूसरा चित्त। यह जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था, यह एक असंतत प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि है। इस प्रतिदर्श समष्टि के जनक यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों की संख्या गणनीय है। इस प्रतिदर्श समष्टि के जनक यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों की संख्या गणनीय है तथा हमने पिछले व्याख्यान में देखा था ऐसे प्रतिदर्श समष्टि को एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। उसी प्रकार यदि एक बल्ब के जीवन काल को नापें, यदि हम किसी एक दिन पर विभिन्न स्थानों का तापमान नापें तो वह कुछ भी हो सकता है, 35.258962, जैसे जैसे हमारे तापमापी यंत्र की संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस तापमान में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बढ़ती जाएगी। हमें यह तापमान पूर्ण रूप से ज्ञात होगा तथा यह तापमान, यह तो केवल एक उदाहरण है, जीरो से, अगर हम जगह की बात करते हैं, 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच यह तापमान कोई भी वास्तविक, असल में तो यह -10 से, भारत में किसी भी स्थान पर यह तापमान -20 से 50 डिग्री सेल्सियस संख्या ले सकता है।
हम ताप माप को या तापमान मापने को एक यादृच्छिक परीक्षण के रूप में देखें, तब हमारा प्रतिदर्श समष्टि होगा शायद एक बंद समुच्चय भी हो सकता है 50। यह एक संतत प्रतिदर्श समष्टि है। अब प्रतिदर्श समष्टि की अवधारणा को समझने के उपरांत हम अपने अगले विषय पर आते हैं, घटनाएं। नहीं, घटना की आम बोलचाल की परिभाषा हम जानते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम गणितीय रूप से एक घटना को परिभाषित करेंगे। घटना एक प्रतिदर्श समष्टि प्रत्येक उपसमुच्चय सबसेट एक घटना अथवा इवेंट एक प्रतिदर्श समष्टि के का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना कहलाता है। एवं यदि हम किसी घटना को द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पर कि ई प्रतिदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय है, तब वह घटना घटित तब मानी जाती है जब हमारे यादृच्छिक परीक्षण उस घटना उपसमुच्चय का एक है। अब एक घटना ई जो कि प्रतिदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय है, उसे घटित तब माना जाएगा जब हमारा परिणाम, जिसे कि मैं यहाँ एक्स कह सकता हूँ, जो कि प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है, हम घटना ई को घटित तब मानेंगे जब यह एक्स, जो कि प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है एवं उस परीक्षण का परिणाम है, तब घटना ई घटित तब होगी जब एक्स ई का भी एक अवयव होगा।
घटना ई घटित तब होगी जब एक्स ई का एक अवयव होगा। उदाहरण के तौर पर हम एक पांसा फेंकने का परीक्षण, अब यदि हम एक पांसा फेंकने का परीक्षण उदाहरण के रूप में लेते हैं, तब हमारा प्रतिदर्श समष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं हम एक घटना ई को परिभाषित कर सकते हैं ई 4, 5, 6। ई वह घटना है जब पांसा फेंकने परिणाम 3 से, ये वह घटना है जब पांसा फेंकने का परिणाम 3 से दिखाए। अब यदि हमारे पास 4 आता है या पांसा फेंकने पर हमारे पास 4 आता है, तब हम कहेंगे कि 4 ई का एक अवयव है एवं ई घटित हुई, घटना ई घटित हुई है। इसी प्रकार हम प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक को एक घटना के रूप में देख सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि किसी भी समुच्चय S के लिए यदि E और F उसके उपसमुच्चय हैं, तब E सम्मिलन अथवा यूनियन F भी S का ही उपसमुच्चय होगा। यह हम समुच्चय सिद्धांत से जानते हैं। अब इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अथवा इसी अवधारणा को प्रायिकता सिद्धांत में लाते हुए हम यह कह सकते हैं, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाएं ई एवं एफ हैं, तब ई सम्मिलन एफ भी एक घटना होगी। यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाएं ई एवं एफ परिभाषित हैं, तब ई सम्मिलन एफ भी एक घटना होगी। उदाहरण, यदि हम 2 सिक्के एवं घटनाएं
ई एफ को इस रूप में ई पहले सिक्के पर चित आए अथवा दूसरे सिक्के पर चित आए तब ई सम्मिलन एफ होगा अर्थात इस प्रकार भी लिख सकता हूं जी की शाब्दिक परिभाषा होगी कम से कम एक सिक्के पर चित आए इसी प्रकार दो घटनाओं ई एवं एफ का परिच्छेदन अथवा इंटरसेक्शन भी एक घटना होगी इसी प्रकार दो घटनाओं ई एवं एफ का परिच्छेदन अर्थात अथवा इंटरसेक्शन भी एक घटना है जिस प्रकार ऊपर दी गई दोनों घटनाओं ई और एफ का परिच्छेदन अगर देखें तब हम यह देखेंगे कि ई परिच्छेदन एफ है मैं घटना जे परिभाषित करता हूँ जहाँ की जे है ई परिच्छेदन एफ और एवं मैं यह लिख सकता हूँ कि जे होगा अब हम यह देख सकते हैं जे घटना है दोनों सिक्कों पर चित आए हमने यह देखा कि यदि दो घटनाएं ई और एफ एक प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय हैं तब उनके सम्मिलन एवं परिच्छेदन दोनों ही घटनाएं हैं उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार समुच्चयों का बीजगणित होता है ठीक उसी प्रकार घटनाओं का भी अब हम घटनाओं के बीजगणित को समझेंगे घटनाओं
थीसी में अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। घटनाओं के बीज गणित के गुणधर्म। यदि सम्मिलन यदि ई एक ई दो ई एन तक सभी घटनाएं हैं तब सम्मिलन ई आई आई एक से एन तक जाते हुए एक घटना है। दो, परिच्छेदन यदि एन घटनाएं हैं तब इनका परिच्छेदन भी एक घटना है। पूरक, यदि एक घटना है तब ई पूरक भी एक घटना है। अब हम ई पूरक को परिभाषित करेंगे। ई पूरक अर्थात अथवा इसे ई पूरक बोला जाएगा, अथवा ई कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ई एवं ई पूरक का सम्मिलन संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि के बराबर होता है एवं यह एक रिक्त सेट होता है। से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित घटनाओं के संदर्भ में रिक्त समुच्चय असंभव घटनाओं को इंगित करता है। अथवा एक रिक्त समुच्चय का अर्थ है कि वह घटना असंभव है। किसी घटना का समुच्चय रिक्त होने का अर्थ है कि वह घटना असंभव है। यदि ई में समहित सभी परिणाम एफ में भी समहित हैं तब कि ई एफ का उपसमुच्चय क्रम
क्रम विनिमेयक गुण अर्थात कम्यूटेटिविटी, जहाँ पर एवं ई साहचर्य गुण, साहचर्य गुण अर्थात एसोसिएटिविटी ई परिच्छेदन एफ परिच्छेदन जी आठ वितरण नियम अथवा डिस्ट्रीब्यूटिव यह वितरण नियम है एवं अंत में डे मॉर्गन के नियम अथवा पहला डे मॉर्गन के नियम पूरक बराबर है एफ पूरक ई सम्मिलन एफ का पूरक बराबर है ई का पूरक परिच्छेदन एफ का पूरक एवं ई परिच्छेदन एफ का पूरक बराबर है ई का पूरक सम्मिलन एफ का पूरक। यह नियम हमने यह सभी नियम नियम हमने समुच्चय में भी देखे हैं। ये सभी नियम हमने छोटी कक्षाओं में समुच्चय सिद्धांत में भी देखे हैं एवं हम डी मॉर्गन के नियमों का एक प्रारूप जो कि दो से अधिक घटनाओं के लिए है इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि ई एक से ई एन घटनाएं हैं तब
यह डिमॉर्गन के नियमों का यह रूप दो से अधिक घटनाओं के लिए है। अब यदि E1 से घटनाएं इस प्रकार हैं, यदि ये घटनाएं E1 से EN इस प्रकार हैं कि E1 से EN इस प्रकार हैं कि इन सब का सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर है, तब E1 से EN को निशेष घटनाएं एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। E1 से EN को एग्जॉस्टिव इवेंट्स अथवा निशेष घटनाएं कहा जाता है। हमने घटनाओं को समझ लिया, हमने घटनाओं का बीजगणित समझ लिया। अब हम प्रायिकता की अगली अवधारणा को समझने के लिए तैयार हैं, जिसका नाम है घटना समष्टि। किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में संभव समस्त घटनाओं समुच्चय घटना समष्टि किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में समस्त समस्त संभव समस्त घटनाओं का समुच्चय घटना समष्टि कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम एक सिक्का उछालने की बात करते हैं तो उसका प्रतिदर्श समष्टि है चित अथवा पट, एवं उसका घटना समष्टि होगा हम प्रदर्शित कर बी घटना समष्टि को प्रदर्शित करता है एवं उसका घटना समष्टि होगा एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि का घात समुच्चय पावर सेट ही उसका घटना समष्टि। एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि का घात समुच्चय पावर सेट ही उसका घटना समष्टि होता है। हम एक घटना समष्टि को अंग्रेजी में इवेंट स्पेस कहते हैं। धन्यवाद।